अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके सामने हाजिर है इरम आर्य जी, आपकी होस्ट। क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक हैं? और क्या हो रहा है जी, आज का दिन आप लोगों का कैसा गुजर रहा है? आज के इस ब्लॉग में, ज़बरदस्त से ब्लॉग में बहुत सारी इंटरटेनमेंट होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों के सामने आज हम लोग लेके आएंगे, जिसमें इंटरटेनमेंट होगा, कुकिंग भी होगी और इसके अंदर गाने शाने भी होंगे और फिर दिल दिल पाकिस्तान भी होगा। चलें जी, ठीक है, आप हमारे व्लॉग में हमारे साथ जुड़िए रहेगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा, इसलिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसको फौरन से पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग हमारे साथ हैं और हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, बच्चों ने तैयार किया कि बहुत अच्छा क्लिप, तो हम लोग उनके क्लिप को देखते हैं, बच्चों ने कैसे शूट कर रहे हैं जो कि उन्होंने परफॉर्म करना है, तो हम साथ साथ शूट करती हूँ और साथ आपको दिखाती हूँ, देखते हैं उनका क्लिप, बच्चों का मजा आएगा बहुत। यार मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कपड़े नहीं यार, मैंने पार्टी में जाना, मैं आज क्या करूँ यार, क्या पहन के जाऊंगी? क्या हुआ फातिमा, क्यों चीख रही हो? यार मेरी पार्टी में मेरे को तो कपड़े नहीं, मैं क्या पहन के जाऊंगी? तो शॉपर पहन लो। शॉपर के भी कोई कपड़े अब दें होते हैं ना, हमने याद है एक दफा पहने थे, वो तो पहले पहने थे ना, अभी थोड़े हम तो बड़े हो गए अब। आ जाओ अभी भी पहन लो है ना। तो बच्चों की एक्टिंग देख के आपको कैसे लगी? छोटी सी एक्टिंग थी, बच्चे क्लिप ऐसे शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों की एक्टिंग आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो मैंने एक्टिंग दिखाई और मैं अब प्याज आलू के बनाने लगी हूँ पकोड़े। मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाते हैं कि पकोड़े की रेसिपी, कि मैं कैसे पकोड़े बनाती हूँ वो आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। मैं ये देखें, ये प्याज छीले, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, आज हम बना रहे हैं पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैंने बेसन ले लिया और बेसन के साथ ये मैंने लिया, उसके साथ ये गरम मसाला और साथ मैंने ले लिया खुश्क धनिया और साथ प्याज आलू लिए हैं और इसको मैं करती हूँ मिक्स। मिक्स करके हम इसको सारी चीज़ों को फेंकता एक ही बार में, फिर हम इसकी अंदर सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये देखें मिर्चें डाली हैं, मिर्चें और बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इसके साथ जितना भी आप टेस्ट के अपने मुताबिक डाल लें नमक, और नमक डाल के ये सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी, पकोड़ों के लिए हम लोग ये सारा सामान तैयार कर रहे हैं, फिर पकोड़े बना के इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। चीज़ों को, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जी। मिक्स करने के बाद उसको हम, तो मिक्स करने के बाद फाइनल लुक इसकी देखें कुछ ऐसी हो गई है। हमने इसको पूरा मिक्स कर दिया, मिक्स करके हम इसको अब आधा घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं कैसे पकौड़े बने हैं। और ये ठीक है, ये बाल, ये बाल ठीक है, ये चले एक और करवाओ, एक और दो तीन बाले मैं खेलती हूँ शर। बच्चों के साथ खेल के बड़ा मज़ा आया। ये लें जी, ये लें। मैं छत के ऊपर आई हूँ, कसम से मैंने कहा जाके ऊपर जाके छत पर बात करती हूँ। मैंने आज का व्लॉग मैंने बड़ी कोशिश की है मैं सही बनाऊं सही बनाऊं, लेकिन जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग में बनाऊं, उतना ज़्यादा मुझसे व्लॉग आज ख़राब हो रहा है, मुझसे व्लॉग बन ही रहा। मैं है ना इतनी कंफ्यूज हो गई, मैं व्लॉग कैसे बनाऊं, कभी कुछ सोच रही हूँ कभी कुछ सोच रही हूँ, लेकिन व्लॉग मुझसे बन नहीं पा रहा और मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। और ये देखें बादल आए हैं बड़े अच्छे किस्म के, मैं छत के ऊपर आई, मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हवा लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा दिमाग ताकि फ्रेश हो और मैं व्लॉग बना सकूँ। लेकिन अभी मैंने पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करके रखा है, मैंने कहा आधा घंटा उसको रेस्ट पे देती हूँ, रेस्ट पे आता है तो उसके बाद उसको बनाऊँगी, बनाकर फिर आप लोगों को जरूर दिखाऊँगी। लेकिन इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या कल से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने कहा चले थोड़ी सी ठंडी हवा लेती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ, और साथ में आपको मौसम भी दिखाती हूँ। जेलम का मौसम आप देखिएगा कैसा है, जेलम का मौसम। ये देखिए जी बादल आए, कितने ज़बरदस्त बादल आए, ओ सूरज नज़र आ रहा है, इतना ज़बरदस्त बादल आए हैं, लगता है बारिश भी आ जाएगी। वाओ जी, पकौड़ों का हमने मिक्सचर निकाली है, अभी बाहर रेडी हो गया, तो इसको हम बनाते हैं। पकौड़े मैंने डाली हैं कढ़ाई में, पकौड़े अब रेडी होते हैं तो उनको हम पानी निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, मैंने डिश में निकाल ली हैं, अब मैं खा के टेस्ट करती हूँ कैसे बने हैं ये पकौड़े। अब देखें मैंने डाला ऊपर मसाला, चाट मसाला डाला है, और चाट मसाला डाल के
फिर चखते हैं कैसा ये लगता है मसाले के साथ। ओके जी गाइस, पकोड़े बन के रेडी हो गए, मैं ले गया रूम के अंदर आ गई। ये देखिए जी, चेक करें इनका कलर, चेक करें केचप के साथ खाती हूँ, क्योंकि दही लेने के लिए जाने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने कहा केचप के साथ खा के देख लेते हैं। और मैं चेक करती हूँ कैसे बने हैं, मतलब बहुत ही मज़ेदार। मजेदार, मजा आ गया जी। आज का व्लॉग मैंने बड़ी कोशिश के बाद बनाया है, पता नहीं आज क्या था, कुछ मुझसे व्लॉग अच्छा नहीं बन पाया या क्या हुआ है, गर्मी की वजह से बड़ी कोशिश की है। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को कुछ ना कुछ सही तो लग ही जाएगा। चलें जो ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग पे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।